about to turn it on. वेडिंग सीजन अब आने ही वाला है, उसी के चलते हम बॉयज के पास सिर्फ एक आउटफिट होती है जो हम सभी हर जगह पहनना पसंद करते हैं, एंड दैट आर सूट्स। सूट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और सूट्स के बारे में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा सूट परचेज करना चाहिए या फिर आपको कौन से कलर परचेज करने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज शूज आपको कौन से परचेज करने चाहिए ताकि आप हर चीज के साथ वो शूज पहन सको। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड एंजॉय। सो हेयर आर सम ऑफ माय टिप्स जो आप सभी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको पता चल सके, क्लैरिटी मिल सके कि आपको कौन से सूट की ज्यादा जरूरत है, सिंगल ब्रेस्टेड सूट या फिर डबल ब्रेस्टेड सूट। और अगर मैं बात करूँ सूट की फिटिंग के बारे में, अगर आप उन्हीं में से हैं जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है सूट की फिटिंग को लेके, देन आई मस्ट से दिस इज वेरी सिचुएशनल। सिचुएशनल होने के साथ साथ ही काफी ज्यादा पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। इनफैक्ट कुछ लोगों को नीट एंड क्लीन चाहिए होती है फिनिश, तो ये सूट उन सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसमें आप काफी एलिगेंट लगते हो, जेंटलमैन लगते हो। ज्यादातर लोग इसे वेडिंग के लिए यूज करते हैं और आजकल लोग इसे कैजुअली भी पहनना पसंद करते हैं, सो आपका ये वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी सूट की फिटिंग के बारे में, जो कि है डबल ब्रेस्टेड सूट की फिटिंग। सो इसे बंद करने के बाद ये कुछ इस प्रकार का लगेगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको ये बात बिल्कुल नहीं पता होगी कि आप इस सूट को ऑल्टर करा सकते हो। ऑल्टर का मतलब यहाँ फिटिंग चेंज कराना नहीं है बल्कि सूट को कन्वर्ट कराना है। आप इसे कन्वर्ट करा सकते हो इनटू अ सिंगल ब्रेस्टेड सूट। अगर आपको कोई ये नहीं बताता, प्लीज बी अवेयर अबाउट इट। और हाँ, इस सूट को आप फिटिंग में भी स्टिच करवा सकते हो ताकि आपकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगे, थोड़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनल लगे। और वेडिंग पर्पज़ के लिए भी ये सूट काफ़ी अच्छा माना जाता है। एनीवे, चाहे वर्क एनवायरनमेंट हो या ना हो, बट आपका अच्छा लगना काफी इंपॉर्टेंट है। बट सिंगल ब्रेस्टेड सूट भी कहीं कम नहीं है। हमने काफी लोगों को देखा पहनते हुए, काफी लोगों ने हमें देखा है, क्योंकि काफी एफर्टलेस है, कोई भी इसे पुल ऑफ कर सकता है। इनफैक्ट ये तीनों जगह काम आ जाता है, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे वो मीटिंग हो या फिर वो कैजुअल वेयर हो। सो हियर इज द सिंगल ब्रेस्टेड सूट ड्रेस्ड अप एज कैजुअल्स। And if you feel like आपकी बॉडी थोड़ी सी भी स्किनी है, then go for the white t-shirt as I have done it. Because white color knows how to portray things absolutely bigger. And rest assured, black color is also preferred by many. And especially good for people who are a little heavier in size. Dark color ज़्यादातर लोगों को tall और normal weight दिखाने में काफ़ी help करता है। One more tip for people who are skinny, you can also increase your chest measurement by 2. This will portray कि आपके shoulders काफ़ी broad हैं, जिसकी वजह से आपकी body का size काफ़ी बड़ा लगेगा, and ultimately you won't be looking skinny. And lastly, talking about colors, you can go with neutral colors with single breasted suit and experiment with the double breasted suit in whatever the way you want. प्लीज फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन। और अगर आपको लगता है आपने कभी पहले किया है, प्लीज गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन और कमेंट करके मुझे बता सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस, शेयर उन सभी को करना जिनको आपको लगता है कि वेडिंग अटेंड करनी काफी इंपॉर्टेंट है और उन्हें अच्छा लगना काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो टॉक टू यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंजॉय रेस्ट ऑफ द वीडियोस। बाय बाय।